महाराज, आपके प्राणों की रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। हमारे प्राणों की रक्षा का पूरा श्रेय पंडित रामकृष्णा को जाता है। कृष्णा, कदाचित आप इस अपमान पर मौन रह सकते हैं, परंतु हम नहीं। आप अभी इसी क्षण दरबार से बाहर चले जाइए। पंडित रामकृष्णा, हमें समझ में नहीं आता, यदि हमने आप पर आवेश दिखा दिया तो आपको हम पर आवेश दिखाने की क्या आवश्यकता थी? माना कि हम आपके मित्र हैं, परंतु हम आपके महाराज भी तो हैं। यदि महाराज मुझे अपना मित्र समझते तो कभी इस प्रकार दरबार से जाने के लिए नहीं कहते। आप अभी इसी क्षण दरबार से बाहर चले जाइए। पीठ दिखाकर दरबार से जाने पर विवश कर दिया आपने महाराज। हमें कभी आपको अपना मुख नहीं दिखाऊंगा, कभी नहीं दिखाऊंगा। महाराज कृष्णदेव राय पधार रहे हैं। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। महाराज कृष्णदेव राय की जय। गुरुवर, पंडित रामकृष्णा नहीं आए। नहीं महाराज, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है पंडित रामकृष्ण की महाराज। हमने उन्हें समझाने का इतना प्रयत्न किया किंतु वो समझने को तैयार ही नहीं है महाराज। महाराज, हमारी एक राय है, कृपया आप अब्दुल्ला को साफ साफ मना कर दीजिए कि आपको उसकी चुनौती स्वीकार नहीं। क्षमा महाराज। नहीं गुरुवर, जो चुनौती हमने एक बार स्वीकार कर ली उससे पीछे नहीं हट सकते, और यदि किसी को ऐसा प्रतीत होता है कि उसकी सहायता के बिना हम किसी चुनौती में उत्तीर्ण नहीं हो सकते तो ये भूल है उसकी, क्योंकि हम अपने आप में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। एक था राजा, दो थी रानी, हार गया राजा, खत्म कहानी। राजा था भोला भाला, पड़ गया उसका अब्दुल्ला जैसे कहानी बाज से पाला। कसम किस्मत के चमकते सितारों की, कसम आप जैसे बेचारों की। वक्त को ना और जाया करते हुए बादशाह सलामत, चुनौती शुरू की जाए। अगर आप तैयार हैं तो रुकिए। विजयनगर के राज दरबार का दरबारी होने के नाते मैं पंडित रामकृष्णा आपकी दी गई चुनौती को स्वीकार करता हूं। लेकिन हमने तो चुनौती बादशाह सलामत को दी है। नहीं, आपने ये कहा था कि राज दरबार का कोई भी दरबारी आपकी चुनौती स्वीकार कर सकता है, कहा था ना? और इसलिए मैं आपकी चुनौती स्वीकार करता हूं और आपको पराजित करके भी दिखाऊंगा। महाराज, महाराज, बोलिए। मुझे इस चुनौती स्वीकार करने की अनुमति प्रदान करें महाराज। अनुमति बाद में देंगे, पहले ये बताइए कि दरबार आने का समय मिल गया आपको? हमें तो लगा था कि आप आएंगे ही नहीं। कैसे नहीं आता महाराज, आपसे छोटा हूँ, रूठ सकता हूँ आपसे, किंतु संकट में आपका साथ नहीं छोड़ सकता ना। पंडित रामकृष्ण, गलतफहमी के साये से बाहर निकलिए और देखिए, मैंने एक एक करके इस दरबार में सबको पराजित कर दिया है, यहाँ तक के बादशाह सलामत को भी। तो आप कौन से थी, स्मार कहाँ है? सोच लीजिए,
क्यों भरे दरबार में अपनी हंसी उड़वाना चाहते हैं? हंसी तो उड़ेगी, अवश्य उड़ेगी, किंतु मेरी नहीं, आपकी। और न जाने क्यों आपको देखकर मुझे प्रतीत हो रहा है कि मुझे चुनौती स्वीकार करता देख आपके तो तोते उड़ गए। तोते नहीं मोहतरम, कौवे उड़ेंगे, और वो भी आपके। हाँ तो देख लेते हैं कि आप मेरे कौवे उड़ाते हैं या मैं आपके तोते। ठीक है, मंजूर है। आप इनकी बातों में मत आइए, चलिए राज्य अभिषेक करना। वैसे तो आप सदैव से दावा करते आए हैं कि आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार हैं। आप अपनी कहानी सुनाने की कला से सामने वाले से कुछ भी करवा सकते हैं, किंतु न जाने क्यों जब से मैंने ये चुनौती स्वीकार की है तब से आप भयभीत लग रहे हैं। महाराज, कदापि इन्हें ज्ञात नहीं है कि विजयनगर के सिंहासन पर सिंह विराजमान होते हैं, भयभीत चूहे नहीं। और ठीक है राज्याभिषेक करवा लीजिए, किंतु विजयनगर की प्रजा तो यही कहेगी ना कि विजयनगर के सिंहासन पर एक डरपोक व्यक्ति आसीन है। और एक बात देखिए, राज्याभिषेक होने के बाद सबसे पहले आपको मुझे इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानीकार की उपाधि देनी होगी, वही उपाधि जो आप स्वयं के लिए महाराज से मांग रहे थे। बोलिए आप और इस संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानीबाज। इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानीबाज मैं हूँ और कोई नहीं है। कसम इस प्रतियोगिता में लगने वाले हिम्मत की, कसम आपको हरा कर दिखाने वाले साहस की, झूठ नहीं बोलूंगा। सिद्ध कीजिए तो मानू। सुनिए आप मेरी तरफ देखिए, इनकी बातों में मत आइए, चलिए आप राज्य अभिषेक करिए। अरे आप इतनी उतावली क्यों हो रही है? राज्य अभिषेक इन्होंने करवाना है या आपने करवाना है? या अल्लाह, बात आप इनकी बात मान लीजिए और मस्तक पर राज मुकुट के साथ साथ कलाइयों में चूड़ियां भी पहन लीजिएगा। बस पंडित रामा कृष्ण, अब तो मैं राज्य अभिषेक तभी करवाऊंगा जब आपको इस भरी सभा में हराऊंगा। आप मुझे हरा नहीं पाएंगे और मैं आपको जीतने नहीं दूंगा। बोलिए चुनौती स्वीकार है? नहीं, आप इनकी बातों में मत आइए, आप मेरी सुनिए, आप चलिए। हाँ, आप अपनी पत्नी की सलाह ही मानिए, ये जैसा बोले वैसा ही कीजिए, क्योंकि आपको देखकर लगता नहीं है कि आपके भीतर निर्णय लेने की शक्ति भी है। बस मुझे मंजूर है, मुकाबला होगा अभी होगा। फंस गया। मंजूर है? अब इस भरे दरबार में दो क्षण में मैं आपको पराजित कर दूंगा और एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा आप जीत नहीं पाएंगे पंडित रामकृष्ण। ना 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 ना, इस बार किस्सा आप नहीं सुनाएंगे, इस बार किस्सा मैं सुनाऊंगा। मैं कहानी बाजू, मैं किस्सा सुनाता हूँ, किसी का किस्सा सुनता नहीं हूँ। अब ये क्या बात हुई अब्दुल्ला जी? देखिए, आपने किस्से सुनाए और लोगों को पराजित किया, किंतु आप कितने योग्य हैं ये तो तभी सिद्ध होगा जब किस्सा भी आप सुने और सामने वाला पराजित भी हो जाए। अरे तभी तो आप बनेंगे संसार के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार। अन्यथा स्वीकार कर लीजिए कि आप केवल कहानी सुनाने में सक्षम हैं, सुनने में नहीं हैं। आपने कहानी सुना सुना कर लोगों को हंसाया, रुलाया, उल्लू बनाया, किंतु अब मैं आपको चुनौती देता हूँ कि मैं आपको एक ऐसा किस्सा सुनाऊंगा कि आप अपने स्थान से उठकर, उछलकर यहाँ से भाग खड़े होंगे। अरे वाह 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 पंडित रामकृष्ण, हमें तो बहुत आनंद आएगा इन्हें बाहर खींच रहे उछलते हुए देखकर, फुदक फुदक कर, फुदक फुदक कर। बस कसम इज्जत के जनाजे की, मेरे जीत के बाजे काजे की कसम खा के कह रहा हूँ, आप अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दीजिए, लेकिन मैं अपने स्थान से हिलूंगा नहीं। साज को आज क्या अभी सिद्ध हो जाएगा, किंतु स्मरण रहे, यदि आप अपने स्थान से हिले डुले उछले या कुछ भी किया तो महाराज का राजपाट, महारानी का हार, गुरुवर का निवास स्थान और उनका धन सब कुछ लौटाना पड़ेगा। मंजूर है? लाला, तुम मुझे हरा दो, तुम में दम नहीं। अरे तुम जैसे कितने भी आ जाए, मैं किसी से कम नहीं, और अगर मैं जीत गया तो आपको अभी के अभी कारागार जाना होगा। स्वीकार है? आसन ग्रहण करें।
अरे अरे वहाँ कहाँ? आप अभी तक महाराज बने थोड़ी ना हैं। वहाँ तो मेरे महाराज ही आसीन होंगे। आप दोनों तब तक यहाँ आसन ग्रहण करें और ध्यान रखिएगा, उछलिएगा मत। आइए। सुभानअल्लाह। महाराज। यह कहि नाई सब ही कहूँ माथा, चले उ हर्षि ही अधरु रघुनाथा। अर्थात हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में शीश नवाकर, उनका आदेश पाकर माता सीता की खोज में उड़ते हुए पहुंच गए लंका, बजाने श्री राम नाम का डंका। बहुत अच्छे पंडित रामकृष्ण, बहुत अच्छे। करी सोई रूप गए पुनी तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। अर्थात माता सीता की खोज में अशोक वाटिका पहुंच गए हनुमंत, और सीता मैया को देखते ही पहचान गए तुरंत। देखकर सीता मैया की सूरत अनूठी, उन्होंने सामने रख दी श्री राम जी की दी हुई अंगूठी। इस प्रकार हनुमान जी ने किया सीता मैया से भेंट, चढ़ गए वृक्ष पर भूखे पेट। चलेउ नाई सिरु पैठेउ बागा, हल्का एसी तरु तोरे लागा। रहे तहां बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाए पुकारे। खाने लगे फल वृक्ष से तोड़कर हनुमंत, देखते ही रावण के सैनिक आ गए तुरंत। सबको मार भगाया बजरंग बली ने तत्क्षण, सूचना मिली क्रोध से गरजा रावण। उसने बुलाया अपने पुत्र मेघनाथ को, जिसके पास था ब्रह्मास्त्र, जिसने किया था देवराज इंद्र को परास्त। बजरंग बली पर सारे अस्त्र शस्त्र हुए विफल, तो उन्होंने चला दिया बजरंग बली पर ब्रह्मास्त्र। महाराज, ब्रह्मास्त्र ते ही साधा कपि मन कीन्ह विचार, जौना ब्रह्मसर मानऊ महिमा मिटई अपार। ब्रह्मास्त्र को आते देख अपनी ओर, मन में किया विचार, यदि नहीं रखा ब्रह्मास्त्र का सम्मान, महिमा मिटेगी अपार। रखते हुए ब्रह्मास्त्र का सम्मान, स्वयं रस्सी से बंध गए हनुमान। लाया गया उन्हें रावण के सामने, उन्होंने पूछा ये किस वानर को भेजा है श्री राम ने। अब्दुल्ला जी आप रावण हैं? ना, ऐसा मान लीजिए कि आप हैं रावण और मैं हूँ हनुमान। अब रावण के दरबार में क्या हुआ इसका कौन लगा सकता है अनुमान? हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का संदेश दिया कि माता सीता को भेज दिया जाए उनके साथ ससमान, किंतु फिर से रावण ने कर दिया बजरंग बली का अपमान। कपि के ममता पूछ पर सब ही कहूँ समुझाई, तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाई। अर्थात आदेश दिया रावण ने कि आग लगा दी जाए पूंछ में हनुमान की। आखिर पूंछ तो होती है सूचक एक वानर के सम्मान की, क्यों? सत्य वचन। पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंता। निबुकी चढ़ेउ कपि कनक अटारी, भई सभित निसाचर नारी। हरि प्रेरित तेही अवसर चले मरुत उनचास, अट्टहास करी गर्जा कपि बढ़ी लाग अकास। देह विशाल परम हरुआई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला। बोलो श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र की जय। बचाओ,
बुझ गई। क्षमा करना, अग्नि तनिक अधिक बढ़ गई थी, क्षमा करना। किंतु ये क्या, आप तो उसी भांति पराजित हो गए जिस भांति तब सब हनुमान जी से पराजित हो गए थे। आपने तो कहा था आप अपने स्थान से हिलेंगे भी नहीं, किंतु देखिए आपका स्थान तो आपसे अत्यंत दूर है। क्यों महाराज, जो व्यक्ति स्वयं को संसार का सर्वश्रेष्ठ कहानी किस्सा वर्णन करने वाला घोषित कर चुका है, वो आज किसी और के सुनाए किस्से में इतना खो गया कि चुनौती हार बैठा। स्वयं को अजय कहने वाला आज पराजित हो गया महाराज। पंडित रामकृष्ण, जिस इंसान ने आपके बादशाह सलामत की इज्जत अफजाई में कमी की, उस इंसान की जिंदगी फना होने से बचाने के लिए आपने अपनी जान की परवाह नहीं की। नहीं नहीं अब्दुल्ला जी, मेरी आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता नहीं है, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ, मेरा विरोध आपकी सोच से है, आपके लोभ से है, आपके छल से है। क्षमा करना, मैं आपसे तनिक निराश भी हूँ, क्योंकि आप जैसा अद्भुत कलाकार जिसके पास एक ऐसी कला है जो संभवतः संपूर्ण विश्व में किसी के पास नहीं होगी, वो लोभ में आकर ऐसा कृत्य कर बैठा कि जिस महाराज ने उसे इतना सम्मान दिया उसने उन्हीं के साथ छल किया। बस पंडित रामकृष्ण, हम समझ गए हैं कि हमने जो कुछ भी किया गलत किया, हमने अपने हुनर का गलत इस्तेमाल किया, आप सबके हम दोनों गुनहगार हैं। बादशाह सलामत, हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा, मैं आपको आपका राजपाट वापस करता हूं, राजगुरु को उनका घर उनका धन और महारानी को उनका हार भी। महाराज ये सब तो ठीक है, किंतु ऐसे लोभी व्यक्ति को दंड अवश्य मिलना चाहिए। महाराज इसने हम सब के साथ छल किया है, ये कपटी है, पाखंडी है। आप दोनों ने जो किया उसके लिए आप दंड के पात्र अवश्य थे, परंतु दो कारण है जिसके कारण हम आपको दंड नहीं देंगे। पहला ये कि आपको अपनी भूल का आभास हो गया है, और दूसरा और प्रमुख कारण, अभी अभी पंडित रामकृष्ण ने यहाँ कथा वाचन का इतना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है जिससे हमारा चित अत्यंत प्रसन्न हो गया है। अब ऐसे प्रसन्न चित में हम किसी को दंडित नहीं करना चाहते, परंतु हाँ आपको एक परामर्श अवश्य देंगे अब्दुल्ला जी, भविष्य में कभी ऐसा मत कीजिएगा। बादशाह सलामत, मैं कसम खाता हूँ ऐसा आप कभी भी नहीं होगा। आप हम दोनों को इजाजत दीजिए यहाँ से जाने की। सैनिक, अपने साथ सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर जाओ और अब्दुल्ला जी और उनकी धर्म पत्नी को विजयनगर की सीमा तक ससम्मान छोड़कर आओ। शुक्रिया। पंडित रामकृष्ण अद्भुत। हमसे अब भी रुष्ट है, यदि हैं भी तो अधिकार है आपका, यदि हो सके तो अपने महाराज को क्षमा। महाराज आप क्या कर रहे हैं, आप मेरे महाराज हैं, आप मुझसे इस प्रकार क्षमा मांगेंगे तो मैं तो ठीक है। आपके महाराज आपसे क्षमा नहीं मांग सकते, परंतु एक मित्र तो अपने मित्र से क्षमा मांग सकता है ना। क्षमा कर दे मित्र। नहीं महाराज। पंडित रामकृष्ण महाराज, आज आपने कथा वाचन की जिस कला का यहाँ प्रदर्शन किया है उससे हम सब गदगद हो गए। सत्य कहें
तो आज आपको पुरस्कृत करने का मन करता है। बताइए क्या पुरस्कार चाहिए आपको? महाराज, आज मैं आपसे अवश्य कुछ मांगूंगा, किंतु वो मांगने से पूर्व आपको मुझे वचन देना होगा कि मैं जो भी आपसे मांगूंगा आप उसके लिए ना नहीं कहेंगे। पंडित रामाकृष्ण, आपको हमसे वचन लेने की क्या आवश्यकता? हम आपको बिल्कुल भी ना नहीं कहें। मांगिए, क्या पुरस्कार चाहिए? महाराज, मैं अपनी कर्म भूमि विजयनगर त्याग कर अपनी जन्मभूमि, अपने गांव तेनाली सदैव के लिए वापस लौट जाना चाहता हूं।